So what's happening guys, welcome back to another video of Minecraft। तो guys यार आज वाली वीडियो में हम यार अपना एक छोटा सा यार घर बनाने वाले हैं, बिल्कुल छोटा सा सुंदर सा। डिजाइन तो खैर आपने यार थंबनेल में देख लिया होगा। वैसे यार घर बनाने की बात करें तो यहाँ पे यार थोड़े से क्वेश्चन आते हैं कि यार घर बना क्यों रहे हैं, क्योंकि यार अपने पास ऑलरेडी तो यहाँ पे एक छोटा सा, मतलब छोटा नहीं काफी ज्यादा बड़ा सा घर है, और ये यार क्लरिक का टावर है, इसको मैंने यार मॉडिफाई कर दिया। लेकिन गाइज यार इस घर में यार थोड़ी बहुत दिक्कत है, इसलिए यार आज हम नया घर बनाने वाले हैं। पहली बात तो गाइज ये क्लरिक का यहाँ पे टावर था, इसको मैंने मॉडिफाई कर दिया, ये अपना घर बिल्कुल भी नहीं है। वैसे यार ठीक ठाक सा ये टावर बना रखा है, इतना कुछ बेकार भी नहीं है, इतना कुछ अच्छा भी है। तो गाइस देख सकते हैं ठीक ठाक सही है। और गाइस दूसरी दिक्कत है यहाँ पे यार काफी सारे विलेजर्स आ जाते घूमते रहते हैं। तो गाइस यार आज वाली वीडियो में हम यार जो आपको सामने की तरफ जगह दिख रही है ना वो वाली, उधर यार हम अपना एक छोटा सा प्यारा सा सुंदर टिकाऊ घर बनाने वाले हैं। तो गाइस यार आज वाली वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, काफी ज्यादा तोड़ घर बनाने वाले हैं, ना ही ज्यादा बड़ा ना ही ज्यादा छोटा। तो गाइस यार यहाँ पे यार थोड़ी बहुत घास फूस उग रखी है, उसको यार हटा लेते हैं, उसके बाद यार अपना बिल्डिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। वैसे यार रॉ मटेरियल तो अपने पास रेडी है, और यहाँ पे गाइस थोड़े से यार पे डर्ट ले लेते हैं, और ये जो मैंने गड्ढे कर दिया ना इसको यार भर देते हैं। सबसे तगड़ा काम करने वाले हम गड्ढे भर के, चलो यार इसको डर्ट को यहाँ पे रख देते हैं, और ये जो गड्ढे कर दिया ना मैंने इनको यार भर देते हैं। वैसे डिजाइन थोड़ा मतलब चेंज हो गया, लेकिन चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे घास वापस से उग जाएगी इसके ऊपर। तो गाइज यार अभी हमें यहाँ पे यार घर बनाना है, यहाँ पे यार विलेज के बिल्कुल साइड में ही है, ताकि यार हम आराम से यार विलेजर से यार ट्रेड वगैरह कर सके। पहले मैं गाइज यार सोच रहा था कि यार मैं अपना घर क्वार्ट्ज़र से बनाने वाला हूँ, लेकिन गाइज फिर पता चल गया यार क्वार्ट्ज़र काफी ज्यादा महंगा होता है, इसलिए गाइज अभी यार मैं घर बनाने वाला हूँ व्हाइट कॉन्क्रीट से। तो गाइज व्हाइट कॉन्क्रीट बनाने के लिए भी यार काफी सारा सामान चाहिए। तो गाइज यहाँ पे हम एक चेस्ट ले लेते हैं, और इसी चेस्ट के अंदर हम सारा का सारा मटेरियल डाल के रखेंगे। पहले यार इस चेस्ट को वहां पे रख के आ जाते हैं, और गाइज यार यहाँ पे अपनी बिल्ली भी बैठी हुई है शीरो, यहाँ पे अपना यार चेस्ट रख देते हैं, और इसके अंदर सारा का सारा जो भी यार बिल्डिंग में अपना रॉ मटेरियल लगेगा यहाँ पे रख देंगे हम इसके अंदर। मतलब यार पूरा तरीके से काम करने वाले, एकदम आराम से, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा छोटा सा यार घर बनाने वाले हैं। शायद से यार आपको घर यार पसंद आ ही जाएगा, मेरे को तो यार मैंने यार वैसे यूट्यूब से देखा एक वीडियो, मेरे को तो यार काफ़ी ज़्यादा सही लगा। देखते हैं गाइज बना पाएंगे कि नहीं। और गाइज यहाँ पे हमें चाहिए थोड़े से ओक प्लैंक, और उसी के साथ हमें यार थोड़ी सी यहाँ पे फैंस भी लगेगी, ताकि यार हम थोड़ा घर को और अच्छा लुक दे सके। और यहाँ पे गाइज हमें यार काफी सारे ग्लास भी चाहिए, क्यों? तो गाइज यार पहले हमें यार व्हाइट कलर की डाई बनानी पड़ेगी, ताकि यार हम यार व्हाइट कलर के कॉन्क्रीट बना सके। तो गाइज अपने पास यार काफी सारे बोन के ब्लॉक है, जो कि यार मैंने नेदर से उखाड़ लिए थे, और गाइज इन ब्लॉक से हम बना लेंगे बोन मिल, और बोन मिल से हम बना सकते हैं सीधा यार व्हाइट कलर की डाई, और फिर गाइज हम अपने यार व्हाइट कॉन्क्रीट बना सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमने यार काफ़ी सारे व्हाइट कॉन्क्रीट के यार पाउडर बना लिया है, इसको यार व्हाइट कॉन्क्रीट में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए यार मेरे पास बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आइडिया है। लेकिन गाइज यहाँ पे रात हो चुकी है, वापस चल लो, नहीं तो यार ज़ॉम्बीज मेरे को बिल्ड करने ही नहीं देंगे, आते ही रहेंगे भाई, और क्रीपर आ गए तो भाई हो गया अपना काम। इसलिए गाइज पहले हम सो जाते, उसके बाद वापस चलेंगे। ओके तो गाइज यार गुड मॉर्निंग हो चुकी है, मतलब अच्छी गुड मॉर्निंग हो चुकी है, अपना यार बिल्डिंग यहाँ पे वापस से शुरू कर देते हैं। यहाँ पे गाइज हम यार फर्नेस ले लेते हैं, ताकि यार हम अपने सैंड को थोड़ा स्मेल्ट कर सकें, और यहाँ पे गाइज हम एक वाटर की बकेट ले लेते हैं, ताकि यार हम पाउडर को यार कॉन्क्रीट में यार सॉलिड में कन्वर्ट कर सके। अभी यार सीधा हम स्टार्ट कर लेते हैं सीधा अपना यार बिल्डिंग बनाना, मतलब बिल्डिंग नहीं छोटा सा यार घर ही बनाने वाले, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं बनाने वाले। पहले यार मैं आपको दिखा देता हूँ कि यार हम व्हाइट कॉन्क्रीट कैसे बनाने वाले हैं। ये यार सामान यहाँ पे वापस रख देते हैं। तो गाइज यहाँ पे यार मैं ऊपर की तरफ यहाँ पे इसको बिल्ड करने वाला हूँ, जितने भी यार मेरे पास स्टैक्स पड़े हुए हैं सबको यार मैं ऊपर तक ले जाने वाला हूँ। ओके तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे यार हम बिल्कुल टॉप पे आ चुके हैं, यहाँ पे यार पूरा अपना बेस दिख रहा है, पूरा विलेज दिख रहा है। तो गाइस हम यहाँ पे थोड़ा सा साइड हो लेते हैं, एक और ब्लॉक लगा लेते हैं यहाँ पे, और गाइस यहाँ पे यार एक वाटर बकेट लगेगी। अब गाइस ये सारा का सारा व्हाइट कॉन्क्रीट में कन्वर्ट होने वाला है, ये देखिए गाइस नीचे तक पानी जाता रहेगा, और जैसे यार पानी है ना पाउडर को टच करेगा सीधा यार सॉलिड कॉन्क्रीट बन जाएगा। अभी यार इसको यार माइन करते हुए हम सीधा नीचे चल लेते हैं, और गाइज ये गया लास्ट। तो गाइज अपने पास आ चुका है पूरा एक स्टैक, वो भी यार व्हाइट कॉन्क्रीट का। मेरे को लग रहा है यार थोड़ा बहुत यार सामान कम पड़ सकता है, चलो यार बाद में देखा जाएगा, अभी यार हम स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से। और गाइज आप जैसा कि देख सकते हैं हम यार पूरा सर्वाइवल में बना रहे हैं, मैं यार आपके लिए वीडियो की स्पीड बढ़ा दूंगा, नहीं तो यार काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। you
तो गाइज यार अपना यार जो घर का ना बेसिक डिजाइन है वो यार पूरा हो चुका है, लगभग यार 90% अपना यार घर कंप्लीट हो चुका है। बनाने में यार मेरे को काफी ज्यादा टाइम लग गया। ये सबसे बड़ी दिक्कत आई यार ये व्हाइट कॉन्क्रीट की, यार ये खत्म ही होता गया। मतलब यार व्हाइट कॉन्क्रीट ही यहाँ पे यार बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। चलो यार लेकिन गाइज अपना घर यार फाइनली रेडी हो चुका है लगभग। वैसे ज्यादा कुछ नहीं करना, वैसे बाहर की तरफ यार थोड़ी बहुत डेकोरेशन करनी है, थोड़ी बहुत यहाँ पे यार लीव्स लगानी, यहाँ पे फेंस लगाने और एक दो यहाँ पे लैंटर्न वगैरह लगाने, और अंदर की तरफ यार पूरा हम यार व्हाइट कार्पेट लगाने वाले हैं। उसके बाद यार अपना घर यहाँ पे रेडी हो चुका होगा। और ऊपर मैं चलकर दिखा दूँ तो यहाँ पे हमने यार सेकंड फ्लोर भी बनाया है, और गाइज यहाँ पे हमें एक बेड भी रखना है, यहाँ पे हम चेस्ट वगैरह भी रखेंगे। लेकिन गाइज अभी के लिए हम सिर्फ यार घर बनाने वाले, ये गेट बंद कर देते हैं। और गाइज हमें यहाँ पे अपना यार मेन गेट भी लगाना है, तो यहाँ पे अपने पास 3 ओक डोर के पड़े हुए हैं। ओके तो गाइज अभी यार हम चलने वाले अपने शीप्स के पास, और वहाँ से गाइज मैं लेके आने वाला हूँ बहुत सारा व्हाइट कलर का वूल, और उससे गाइज मैं बना दूंगा बहुत सारी कारपेट। तो गाइज पहले मैं यहाँ पे शीयर्स लूंगा, और गाइज अपने पास खाने के लिए सिर्फ यहाँ पे यार 4 आलू बचे हुए हैं। तो गाइज पहले यार मैं यहाँ से यार लीव्स कलेक्ट कर लेता हूँ। पहले गाइज यार मेरे को पता नहीं था कि यार लीव्स को हम ऐसे कलेक्ट कर सकते हैं, तो गाइज इसको बस ऐसे ऐसे कर देना और हमें काफ़ी सारी लीव्स मिल जाएगी। ओके तो गाइज 38-39 मिल चुकी है, और ये 40 भाई बहुत है यार इतनी। तो अपने गाइज यहाँ पे यार काफ़ी सारी शीप्स खड़ी हुई है, और अपने पास यहाँ पे यार रेड कारपेट तो है लेकिन हमें चाहिए व्हाइट कलर का। और भाई यहाँ पे इतनी सारी शीप्स है, चलो यार इनको फटाफट से गंजा कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमें पूरा यार एक स्टैक मिल चुका है व्हाइट वुल का, उसी के साथ यार 41 एक्स्ट्रा भी मिल चुके हैं। यार काफ़ी सारी शीप्स है मेरे पास, तो गाइज इनको यार फटाफट से यार कारपेट में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। और गाइज ये विलेजर्स यार बहुत दिमाग खराब करते हैं मेरे। और गाइज अपने पास आ चुकी है यार कुछ ज़्यादा ही कारपेट यार मैंने बना लिया है, और व्हाइट कलर की कारपेट यार काफ़ी ज़्यादा सही दिखेगी। और गाइज सामने की तरफ से यार जो घर का व्यू आ रहा है मेरे को तो यार काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आपको कैसा लग रहा है यार कमेंट्स में मेरे को ज़रूर से बताना। अब गाइज फटाफट से यार हर जगह पर मैं यहाँ पर बिछाने वाला हूँ व्हाइट कलर की। अब यार ऊपर मतलब यहाँ पर गाइज मैं हर जगह बिछा दूंगा व्हाइट कलर की कारपेट। ये लगा आखिरी, तो गाइज यहाँ पे मैंने पूरी यार व्हाइट कारपेट बिछा दी है, काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है। इस गेट को यहाँ पे बंद कर देते हैं, और गाइज यहाँ पे गाइज मैं लगाने वाला हूँ लीव्स। अबे भाई गिर मत यार। और गाइज यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ पूरे में यार लीव्स, और गाइज जो लीव्स है ना वो बिल्कुल यार अलग ही लुक देने वाली, देख सकते हैं गाइज काफ़ी ज़्यादा सही है। और यहाँ पे गाइज अपने पास एक ही फैंस पड़ी हुई है, शायद यार घर में और पड़ी हुई, यहाँ पे यार एक ही लगानी पड़ेगी अभी के लिए तो, या फिर यार चेस्ट में होगी साथ ही यार यहाँ पे। लेकिन यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जितनी यार मिल रही है वो अभी के लिए यार लगा देते हैं। यार हमेशा यार कमी तो यार पड़ी जाती है, देख सकते गाइज सिर्फ यार 3 की यहाँ पे कमी पड़ चुकी है यार। चलो यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको यहाँ से हटा लेते हैं, इसको भी यार यहाँ से हटा लेते हैं, वैसे इसके अंदर सामान पड़ा हुआ है मेरे हिसाब से। तो गाइज यार अभी यार घर का तुम लुक देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सही आ रहा है। यहाँ पे गाइज मैं 2 लैंटर्न लगा दूंगा, और यहाँ से गाइज मैं इनको लैंटर्न को उठा लेता हूँ। वैसे यहाँ पे वैसे ही रखे हुए, ऐसे ही कुछ अच्छे तो लग नहीं रहे यहाँ पे नीचे, वैसे भी कौन देखेगा। तो यहाँ पे गाइज इनको मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पे सामने की तरफ, और ये वाले जो गाइज ये लैंटर्न होते हैं वो बिल्कुल यार अलग ही लुक दे देते हैं घर को। ये यहाँ पे लगा दिया एक, और गाइज एक यहाँ पे लगा दिया। तो गाइज यार अपना घर यहाँ पे यार पूरा हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया लेकिन जो गाइज फाइनल लुक आई है ना घर की वो काफ़ी ज़्यादा सही आई है। और गाइज कमेंट्स में मेरे को ज़रूर से बताना कि यार आपको यार ये घर कैसा लगा। अभी गाइज मैं इसके अंदर यार काफ़ी सारी चीज़ें रखने वाला हूँ, एनविल, क्राफ्टिंग टेबल वगैरह, यहाँ पे बेड वगैरह भी रखूँगा। तो गाइज यहाँ पे यार काफ़ी सारी चीज़ें भी रखनी है मेरे को, जैसे कि यहाँ पे यार रख देते 2 फर्नेस यहाँ पे रख देता हूँ यार। तो गाइज मैं छोटा सा यार घर का मतलब टूर दे देता हूँ। यहाँ पे गाइज 2 फैंस कम पड़ गई, तो यार इसको बाद में लगा दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वैसे यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो गाइज यार घर कैसा लग रहा है आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर से बताना। और गाइज हमारे पास टॉर्चेस भी यार काफ़ी सारी पड़ी हुई है, तो यार टॉर्चेस भी लगा देते हैं ताकि यार ज़ॉम्बीज वगैरह स्पॉन ना हो जाए आसपास। और क्रीपर आ गया ना भाई, बहुत दिमाग खराब हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे यार अपना सेकंड फ्लोर भी बना रखा है मैंने, और यहाँ पे भी लगा देते थोड़ी बहुत, यहाँ पे भी यार टॉर्चेस लगा देते हैं। और गाइज सेकंड फ्लोर भी यार काफ़ी ज़्यादा सही है, वैसे यार अपना पूरा घर यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है लेकिन गाइज खाली घर भी यार काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। और वैसे यार अभी रात का टाइम हो रखा है तो गाइज इतना अच्छा लुक नहीं आ रहा होगा। तो गाइज यार आपको घर कैसा लगा यार मेरे को कमेंट्स में ज़रूर से बताना। तो गाइज यार इस वाली वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर यार आपको वीडियो बढ़िया लगी तो यार लाइक कर देना, और यार और भी मेरे को आइडिया दे सकता है कि गाइज इस घर में मेरे को और क्या चेंज करना चाहिए। वैसे यार अभी के हिसाब से तो यार काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। ज़ॉम्बीज आने से पहले यार यहाँ से निकल लेते। तो गाइज यार बाय बाय, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।